टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सयाती मंसूबों के साथ साथ वहां की रोजमर्रा जिंदगी के अवामी वाकयात का अहाता करता है। ये न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ पेश किया जाता है। आज के बुलेटिन में हम आपको एक ऐसी मुख्तसर रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके मुताबिक 2022-23 के साल में जम्मू कश्मीर की मालियाती ग्रोथ 15% दिखाई दे रही है। 370 धारा के हटने के बाद जम्मू कश्मीर रिकॉर्ड तरक्याती प्रोजेक्ट्स की जानिब बढ़ रहा है। आज केंद्र से भेजी पाई पाई भी यहां ईमानदारी से लग रही है। डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं।
कश्मीर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मई के महीने में G20 के एक समिट की तैयारियों के हवाले से एक खसूसी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस कॉन्फ्रेंस में अहम लोगों ने शिरकत की और इस बात का जायजा लिया कि किस तरह G20 के समिट की रोशनी में कश्मीर के तरक्याती मंसूबों को मजीद उजागर किया जाए। Here, the Central University of Kashmir represents the whole India. So there is a diverse ideas of the students are there. So that we want to culminate through various competitions and to how to engage the youth in the country's progress future. Central University is among the chosen universities for hosting this event of engaging young minds about the G20 presidency that is being held this year. And you are also aware that Jammu and Kashmir is holding the tourist group meeting next month, which is from the 22nd of May. And it is indeed a matter of pride and privilege for us that in this year, this university has been chosen to be part of the G20 celebrations. India has taken the initiative as part of its G20 presidency to showcase India. There are going to be, as I mentioned, 200 plus meetings in more than 50 locations all across the country, from the north to the south, from the east to the west. So there are twofold advantages of this. One is, of course, to showcase India to the larger world, that they are able to see India in as a mother of democracy in all its glory and its all its diversity, in all its beauty. ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारी यूनिवर्सिटी की और हमारे डिपार्टमेंट की, जिसे हमें मौका मिला G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट में। तो इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। करंटली अगर देखें जाए वर्ल्ड सिनेरियो में, डिमांड जो है अभी एनर्जी की वो काफ़ी रिच है, और उसके लिए हमें काफ़ी जो अभी फॉसिल फ्यूल्स वगैरह पे इन्हेसार करना पड़ता है। नेशनल काउंसिल बराए फरोगे उर्दू ने अनंतनाग के अंदर एक खसूसी आर्ट की नुमाइश का एहतमाम किया, जिसमें 40 से ज़ायद ख़वातीन ने हिस्सा लिया।
हम यहाँ 40 बच्चियाँ ये काम सीखते हैं और हमने ये भी डिसाइड कर लिया है कि हम खुद अपना ये यूनिट खोलेंगे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के और अपने सर के और अपने मैम के। ये जो पुराना फन है ये पेपर माशी जिसको कहा जाता है, जैसे कि ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में कहीं देखने को नहीं मिलता था इससे पहले। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये साल में पहला कोर्स तो हो गया, अभी दूसरा बैच आने को है। हम आपकी चैनल के माध्यम से जो बच्चियां घर में पढ़ी लिखी बैठी हुई है उनको कहते हैं कि आ जाओ, सीखो और अपना रोजगार कमाओ, अपने आप को आगे बढ़ाओ, क्योंकि बेरोजगारी, क्योंकि यह जो सरकारी नौकरियां हैं आजकल बहुत नायाब हो गई है और बहुत सारे पढ़े लिखे भी है, कितने को मिलेगी? अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो आगे आ जाओ और यहां पे सीखो, ट्रेनिंग ले लो, सर्टिफिकेट ले लो और अपना काम आगे बढ़ाओ। सब बहनों को और सभी औरतों और लड़कियों को एक देती हूँ कि वो यहाँ आए और यहाँ पर ये ट्रेनिंग करें, हाँ हासिल करें, इससे बहुत कुछ मिलता है। हम घर बैठे जो लड़कियाँ हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये। हाँ हाँ, इससे बेरोजगारी भी दूर हो सकती है, हम घर बैठे ये काम कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा आर्ट है। इंडियन आर्मी ने बारामूला के मुकाम पर राफियाबाद में गर्ल्स वॉलीबॉल चैंपियनशिप का एहतमाम किया जिसमें 11 से ज्यादा टीमों ने शिरकत की। Today the first time a volleyball competition was organized by the army, first time in Rafiabad area of Kashmir. So I'm very thankful for the army for conducting such an event, because every girl has a potential and she needs such platforms to show her potential. And I also request all the girls to participate in such an events, because this is a golden opportunity for them to show their potential.
रफियाबाद में आज पहली बार वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज हुआ है एंड दैट विच वॉज ऑर्गेनाइज बाई इंडियन आर्मी. तो इसमें जो है वी केयर का इन कोलैबोरेशन उनके साथ इन्होंने यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़ किया है. आपको पता होगा कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत बातें करते हैं लेकिन यहाँ पे मेरे को लगता है कि आज देखने को मिल रहा है. यू हैव सीन ब्यूटीफुल गर्ल्स आर इन द प्लेग्राउंड दिस टाइम एंड दे आर परफॉर्मिंग इन डिफरेंट यूनिफॉर्म्स दिस टाइम. यहाँ पे आज ये इंडियन आर्मी ने हमारे लिए एक वॉलीबॉल का अच्छा खासा टूर्नामेंट कराया था. हम बहुत शुक्रगुजार हैं इन्होंने हमारे लिए ये टूर्नामेंट कराया. हम चाहते हैं हमारे लिए और भी ऐसे ऐसे टूर्नामेंट्स हो जाए तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी. धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पुलों की तामीर और दीगर तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम होता नजर आ रहा है. इस सिलसिला में एक खुसूसी रिपोर्ट देखें. जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के साथ ही यहां की तस्वीर लगातार बदलती जा रही है और यहां के लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आया है. ऐसे में अगर प्रगति की बात करें तो जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है. बड़ी संख्या में पर्यटक जम्मू कश्मीर की ओर रुख कर रही हैं. ऐसे में जम्मू कश्मीर में यात्रा सुगम और सुरक्षित हो इसके लिए प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रहा है. इसी कड़ी में यात्रियों को यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए सीमा सड़क संगठन ने हाल ही में राजौरी के इलाके कंडी बुधल रोड हाईवे पर दो पुलों का निर्माण किया है. इसके बनने से लोगों की जिंदगियों पर न केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी मजबूती मिलेगी. राजौरी कांडी बुधल का जो सड़क का है इनॉग्रेशन ये हाल ही में 6 महीने पहले हुआ. उसमें काफी ब्रिजेस भी बने हैं क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पे बहुत सारी नदियां स्ट्रीम्स वाटरशेड ये इस इलाके में है तो इसलिए काफी ब्रिजों का भी उसमें निर्माण हुआ है. साथ ही साथ अभी आगे बुधल से लेके गुल और रामबंद की कनेक्टिविटी इसको भी डबल लेन करके इम्प्रूव करने का प्रोजेक्ट लिया जा रहा है. इन सड़कों की वजह से इस जगह का इकोनॉमिक प्रोग्रेस जिसे कहते हैं टूरिज्म इकोनॉमी और लोगों की अपनी आम जिंदगी इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है क्योंकि सड़कों के साथ आता है आपका कॉमर्स और कॉमर्स जो है यहाँ पे बहुत बड़े तरीके से उछाल देखने वाला है. पुलों के बनने और रोड कनेक्टिविटी से इस इलाके में व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी. बेहतर रोड कनेक्टिविटी ना होने से व्यापारियों को जो असुविधा होती थी अब वो उससे बच सकेंगे. इसी रोड की वजह से तो बिजनेस बढ़ा नहीं तो कहाँ से आना था. कल्ले पर उठा के कोई चीज का कुछ नहीं होने पाला इसलिए रोड का जो है इस रोड का इतना बेनिफिट होगा. गरीब लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं खा रहे हैं बिजनेस चल रही है हर चीज की बिजनेस चल रही है. जो चीज़ के हमारे उस इलाके में कभी किसी ने देखी भी नहीं थी वो चीज़ें आजकल हमें उधर ही मिल रही हैं. यहाँ के लोगों को और आर्मी को क्या कहते हैं पूरी कनेक्टिविटी मिलेगी और ये अल्टरनेट रूट भी है क्या कहते हैं श्रीनगर जाने के लिए और जम्मू जाने के लिए तो ये रोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस ब्रिज के बनने से लोगों को बहुत फायदा होगा यहाँ पर. आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया. टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन.